नमस्कार, राम राम दोस्तों। मेरा नाम नंदन है और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नंदन किंग्स पाठशाला में। दोस्तों, हमने क्लास 8th की सीरीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और हमारे इस सीरीज में हम आज से शुरू करने वाले हैं क्लास 7th का पहला लेसन। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 7th का पहला लेसन, लेसन 1 द रेनबो। तो चलिए चलते हैं लेसन पर। तो ये रहा लेसन 1 द रेनबो। रेनबो यानी होता है हिंदी में जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के बारे में हम 7th क्लास का ये पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं ये है इंद्रधनुष। इसका एक स्केच बनाकर दिखा रखा है, बादलों के बीच में जो है इंद्रधनुष बना हुआ है। इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, अलग अलग तरह के 7 कलर होते हैं, जो कि मेनली हमें खासकर हमें कब दिखाई देता है, बारिश के समय में। इसका ओरिजिनल पिक में दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, ये है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का एक ओरिजिनल पिक, जो कि ये एक ओरिजिनल पिक है, एक ओरिजिनल इमेज है। ऐसा होता है इंद्रधनुष, इसके अंदर 7 अलग अलग तरह के कलर होते हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। पहली लाइन, बोट सेल ऑन द रिवर एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार देन दिस। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये पोएम है और पोएम में हमेशा क्या होती है, राइमिंग वर्ड्स होती है। तो यहाँ पर भी है, देखिए ये रिवर्स, सॉरी रिवर्स में तो नहीं है, सीज दीज, फिर इधर प्लीज ट्रीज दीज। तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स है, यानी कि सिमिलर, यानी कि एक जैसे उच्चारण करने वाले शब्द, यानी कि उनका जो बोलने का तरीका होता है वो सेम सेम होता है, जैसे कि राम श्याम सीता गीता ऐसा। तो पहली लाइन, बोट सेल ऑन द रिवर, बोट्स कहाँ तैरती है, सेल यानी कि तैरना या तैरना, तो कहाँ तैरती है बोट, बोट यानी नाव, नाव कहाँ तैरती है, नदी के ऊपर, नदी में तैरती है, समुद्र में नहीं जाती नाव है, जो मतलब मेनली नहीं जाती है। और एंड शिप सेल ऑन द सीज, जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज, वो कहाँ तैरते हैं, वो तैरते हैं समुद्र के ऊपर। सीज यानी क्या होता है, समुद्र। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, बट जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो कहाँ तैरते हैं, वो पूरे आकाश में, आकाश भर में वो क्या करते हैं, मंडराते हैं, आकाश भर में वो तैरते रहते हैं इधर से उधर। जो बादल होते हैं अपन देखते हैं आसमान में, तो बादल इधर से उधर घूमते रहते हैं। बट द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार देन दिस, जो बादल हैं वो क्या है, इन सब चीजों से ज्यादा खूबसूरत है। प्रीटियर यानी कि उनसे ज्यादा खूबसूरत, यानी कि किससे कंपेयर किया गया है, तो किससे कंपेयर किया गया है, जहाज और नाव जो नदी में चलते हैं और जो समुद्र में चलते हैं, उनसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, ये जो बादल हैं ये उनसे ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीटियर, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। कैसे, जैसे बताता हूँ आपको, प्रीटी प्रीटियर प्रीटियस्ट, गुड बेटर बेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। तो ऐसे ही ये कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, प्रीटी फर्स्ट फॉर्म है, प्रीटियर सेकंड फॉर्म है, प्रीटियस्ट थर्ड फॉर्म है। प्रीटी यानी होता है खूबसूरत, प्रीटियर यानी होता है इससे ज्यादा खूबसूरत, और प्रीटियस्ट यानी होता है सबसे ज्यादा खूबसूरत। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये क्या बोल रहा है कि बोट जो होती है, जो नाव होती है वो कहाँ तैरती है, नदी के ऊपर, एंड शिप सेल ऑन द सीज, और शिप कहाँ तैरते हैं, शिप तैरते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन जो बादल होते हैं जो पूरे आकाश में तैरते हैं वो इन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो ये है पहले पैराग्राफ का मतलब। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पर, देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरटॉप द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम स्काई अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर फार देन दिस। यानी कि क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़ते हैं, देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, यानी कि नदी के ऊपर क्या होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। ब्रिजेस यानी क्या होता है, पुल, तो नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पुल होते हैं। तो क्या बोलते हैं, नदी के ऊपर क्या होते हैं, पुल होते हैं, अस प्रिटी एज यू प्लीज, और वो इतने खूबसूरत होते हैं कि वो आपके मन को खुश कर जाए, आपके मन को लुभा दे, ऐसे इतने सुंदर होते हैं वो ब्रिज। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो बो है, अभी कौन से बो की बात कर रहे हैं हम, रेनबो की बात कर रहे हैं, इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो बो है, रेनबो है, जो क्या करता है, जो ब्रिज करता है हमें हेवन तक, यानी कि वो एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा ब्रिज की तरह दिखाई देता है, जो हमें कहाँ ले जाता है, सीधा सीधा हेवन में ले जाता है। हेवन यानी क्या होता है, स्वर्ग, जो हमें सीधा स्वर्ग में लेके जाता है। ऐसा उन्होंने ब्रिज की तरह कंपेयर किया है, किसको, रेनबो को, कि वो एक ऐसा पुल है जो हमें सीधा कहाँ, हेवन में लेके जाता है। एंड ओवर टॉप द ट्री, और वो क्या करता है, ऐसा दिखता है कि वो ट्री से भी ऊपर होकर जा रहा है। कभी उसका उसका अभी हमने फोटो दिखाया था, तो उसमें देखा होगा आपने, पूरा ऐसा घूम के ऐसा राउंड जा रहा था। तो कैसा दिखता है कि एक ऐसा एक वो ब्रिज है
जो कि जिसने पेड़ों से भी, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन पेड़ों को भी उसने क्या करा था, उन पेड़ों को भी पार कर दिया उसने, ऑल टॉप से नहीं कि उनसे भी ऊपर होकर निकल रहा है वो, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। और वो एक क्या कर रहा है, एक रोड बना रहा है फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ यानी कि धरती से आसमान तक के लिए क्या कर रहा है, वो एक रोड बना रहा है सीधा, मतलब हाईवे, एक रोड बना रहा है जो हमें कहाँ ले जा सके, सीधा स्वर्ग में ले जा सके। इट्स प्रीटियर फार देन दिस, तो वो जो रेनबो है वो इन इन बाकी ब्रिजेस से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस प्रीटियर, फिर आया देखो प्रीटियर यानी कि सेकंड फॉर्म है, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये तीन तरह के तीन फॉर्म्स होते हैं, ये हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो इस प्रीटियर, प्रीटियर वर्ड का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है जब हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अभी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं अभी बाकी ब्रिज से, जो बाकी के ब्रिज हैं जो कि नदी के ऊपर जाते हैं, जो आपको बहुत खुश देखने में आपको खुश कर देते हैं, उनसे भी ज्यादा जो खूबसूरत है वो कौन सा ब्रिज है, वो ब्रिज है रेनबो, रेनबो को ब्रिज से कंपेयर किया है। तो यही है इस पोएम के अंदर, ज्यादा कुछ भी नहीं है इस पोएम के अंदर। तो ये पोएम किसने लिखी है, क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, ये विदेशियों के नाम है, पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं, तो जो भी है। तो ये था हमारा चैप्टर रेनबो, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे बाकी वीडियोस का इंतजार करिए, बाकी धीरे धीरे भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ 8th, 7th और 6th क्लास तक के ही वीडियो बनाएंगे, 5th क्लास की वीडियो हम नहीं बनाएंगे।